नवोदय पद पर आगे बढ़ता है एक विश्वविद्यालय प्रोफेसर नंदलाल मिश्रा। जी हाँ, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और कला संख्या के अधिष्ठाता प्रोफेसर नंदलाल मिश्रा के अनुसार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावना के अनुरूप केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित ग्रामोदय से राष्ट्रोदय अभियान को यथार्थ का धरातल देने के लिए प्रख्यात समाजसेवी भारत रत्न राष्ट्र श्री नाना जी देशमुख के जीवन काल में ही उनके द्वारा परिकल्पित और क्रियान्वित ग्रामोदय शिक्षा को जोड़ा जाना होगा। भारत रत्न राष्ट्र श्री नाना जी के देशमुख ने चित्रकूट को अपनी कर्मभूमि मानी थी। भगवान श्री राम ने अपने वनवास का समय काटने तथा यहाँ तक फैले आतंक को समाप्त करने के लिए चित्रकूट जाने का दिग्दर्शन किया था। इसका प्रमुख कारण अन्य जगहों से कम संपर्क तथा एकांत का अधिक होना था। लगभग 30 वर्ष पूर्व जब मैंने चित्रकूट का दर्शन किया था तो तब उस समय चित्रकूट लगभग वैसे ही था जैसे मन में कल्पना थी। सड़कों का अभाव, यातायात के साधनों का सर्वथा अभाव, विद्युत व्यवस्था लगभग नहीं के बराबर थी, पेयजल था ही नहीं। कृषि की प्रचंडता और अमावस्या के मेले पर निर्भर यहाँ का जीवन एक अलग कहानी बयां करता था। चित्रकूट धाम करवी से रामघाट आने में घंटों लगा करता था। टेलीफोन की व्यवस्था थी ही नहीं, संचार व्यवस्था अत्यंत कमजोर थी, जीविकोपार्जन का स्थायी व्यवस्था नहीं था। हाँ, चित्रकूट राममय जरूर था, अद्भुत प्रकृति नजारा था। सती अनसुईया आश्रम हो, गुप्त गोदावरी की गुफा हो, हनुमान धारा हो, स्प्लिट शिला हो, राम सैया हो, भरत कूप हो, क्या कहने इन नजारों का। चारों तरफ जंगल, हरे भरे पहाड़, श्री कामदानाथ जी का धनुषाकार पर्वत, उनकी परिक्रमा कल कर करदीप मंदाकिनी, सभी ने नाना जी को अपनी तरफ आकर्षित किया। अदंतः नाना जी इन्हीं के होकर रह गए तथा उनका मन यहीं रम गया। यहाँ की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया। उन्हें भी एक ऐसे जगह की तलाश थी जहाँ शांतिपूर्वक अपने सपनों को मूर्त रूप दे सके। उन्हें वह जगह प्रभु श्री राम की कृपा से मिल गई। परिवर्तन के लिए संशोधन की आवश्यकता होती है। अपने दीर्घकालीन अनुभवों की नींव पर नाना जी ने यहाँ के लोगों को साथ लेकर दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की, जिसके चलते संचालन में स्थानीय साधु संतों का अप्रतिम योगदान था। दीनदयाल शोध संस्थान के एक प्रकल्प के रूप में ग्रामोदय शिक्षा के लिए ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के कर कलमों से ग्रामोदय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। कालांतर में मध्य प्रदेश सरकार ने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नाम के साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़कर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय कर दिया। इस विश्वविद्यालय के संस्थापक और परिकल्पक नाना जी का मानना था कि पूज्य बापू ही इस विश्वविद्यालय के शानवत प्रेरणा स्रोत है। महात्मा गांधी व नाना जी के विशाल चिंतक को विस्तार से यहाँ देना संभव नहीं है। यह सत्य है कि उनके विचारों पर आधारित ग्रामोदय विश्वविद्यालय ने संदेश अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा है। चित्रकूट बदल गया, अब वो नहीं रहा जो 30 साल पहले था। रात में अब रास्ते रुकते ही नहीं, चलते रहते, लगभग सभी आवश्यक सामग्री मिल जाती है। ग्रामोदय ने यहाँ नाना प्रकार के प्रयोग किए, कृषि का स्वरूप बदल गया, जीविकोपार्जन जब अमावस्या पर नहीं टिका है, अनेकों रास्ते खुल गए, आत्मनिर्भरता धीरे धीरे से सही आ रही है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय की संकल्पना को सरकार को भी समझना चाहिए, क्योंकि ग्रामोदय की भूमिका यहाँ के विकास में मेरुदंड है। अभिव्यक्ति प्रोफेसर नंदलाल मिश्रा।